डिबगिंग, डिबगिंग क्या होता है और उसको हम कैसे कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है त्रिमन कौर और आज मैं आपको सभी डिबगिंग के बारे में ही बताऊंगी कि उसे होता क्या है, वो होता मतलब कि वो है क्या चीज है डिबगिंग। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज ए बग? बग क्या होता है? आंसर, इट इज ए कोडिंग एरर, कि हमने कोडिंग में जो गलती की होती है उसे हम कहते हैं बग। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए डिबगिंग? अब डिबगिंग क्या होता है? आंसर, स्पॉटिंग एंड फिक्सिंग एरर्स इन ए प्रोग्राम। स्पॉटिंग का मतलब कि हमने पहले ढूंढना है, फिक्सिंग का मतलब ठीक करना है, एरर्स का मतलब कि जो हमने गलती की है, प्रोग्राम का मतलब कि जो हमने कोडिंग में प्रोग्राम किया। तो इसका पूरा मतलब क्या बनता है कि पहले हमने ढूंढना है, फिर जो हमारा प्रोग्राम में जो एरर थी, गलती थी, उसे हमने क्या करना है, फिक्स। तो उसे हम क्या कहते हैं? डीबगिंग। अब डीबगिंग की एग्जांपल है, उसे हम एरर्स भी कह सकते हैं या फिर बग्स। तो ये कॉमन टाइप्स के, तो हम वो टोटल 3 है। तो पहले हमारे कौन सी बग है? मिस्ड पैड। मिस्ड पैड एरर की हम जब लिखते हैं तो हम वहाँ पर कुछ गलती कर देते हैं, स्पेलिंग गलत कर देते हैं। तो जैसे मैंने डिज़ाइन में लिखा था इसका डिजिटी लेवल 1, लेकिन जब मैं कोडिंग में इसे कुछ कराना था तो वहाँ पर मैंने लिख दिया इसका कुछ और ही गलत स्पेलिंग लिख दिया। तो वो किसने गलती की? मैंने। तो वो भी एक तरह का बग भी हो गया। आगे हमारा सेकंड कौन सा बग है? अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या होता है कि जब मैं चाहती थी कि जब मैं मेक मी रेड के ऊपर क्लिक करती हूँ बटन के ऊपर, तो बैकग्राउंड का कलर होना चाहिए रेड, लेकिन वो हो ही नहीं रहा। हमने कुछ और रिकॉर्डिंग की थी, तो ये भी एक बग हो गया, ये भी हमने गलती की है। अब हमारा थर्ड एरर क्या है? लॉजिकल एरर। अब लॉजिकल एरर क्या होता है कि जब मैं चाहती थी कि मैं मेक मी रेड के ऊपर क्लिक करती हूँ तो रेड होना चाहिए, और मेक मी ब्लू के ऊपर तो ब्लू स्क्रीन का कलर होना चाहिए, तो लेकिन जब मैं क्लिक करती थी दोनों बटन के ऊपर कोडिंग करके, तो रेड के ऊपर क्लिक करने से ब्लू हो जाता, ब्लू से ऊपर रेड। तो ये भी हमने क्या की? गलती। और उस गलती को हम कहते हैं लॉजिकल एरर्स। और ये टोटल होते हैं 3 टाइप्स की एरर्स। आई कैन डिबग, मैं डिबग कर सकती हूँ। यू कैन ऑल्सो डिबग, आप भी जरूर डिबग कर सकते हैं। और एनीवन कैन डिबग, सभी लोग डिबग कर सकते हैं। तो हम सीखा कि डिबगिंग के बारे में, अब हम उसके पजल भी करेंगे, अब हम उसको प्रैक्टिकल करेंगे, उसके पजल भी करेंगे। तो चलिए अब हम फिर से इसे शुरू करते हैं। तो ये है अभी हमारा एक कोडिंग का प्रोग्राम। तो अब हम करते हैं इसे डिबग। इसमें हमारी गलती क्या है बग? तो मैं इसे रन करके चेक करती हूँ। ग्रीन के ऊपर क्लिक करती हूँ तो बैकग्राउंड ग्रीन ही नहीं होती। तो यहाँ पर वो कुछ बता भी रहा है, डिबग कंसोल के नीचे वो कुछ, हाँ अरे वो तो हमारी गलती बता रहा है। कहाँ पर बता रहा है? डिबग कंसोल के नीचे। तो हम अभी गलती पता है क्या है हमारी? वार्निंग लाइन 1, कि जो ये लाइन 1 है वहाँ पर भी वो एक एरर दे रहा है। क्या है लाइन 1 में? द ऑन इवेंट आईडी पैरामीटर रेफर्स टू एन आईडी बटन 1 व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। अरे नहीं, हम जो ये हमने ऑन इवेंट में बटन 1 लगाया ना, वो तो इसमें बटन 1 की आईडी है ही नहीं, बटन 1 तो कोई है ही नहीं। तो ये हमने क्या कर दिया? गलत, क्योंकि बटन 1 की कहाँ कहीं पर भी आईडी नहीं है। तो अब हम देखते हैं इसकी सही आईडी क्या है। ये है इसकी ग्रीन बटन। तो यहाँ पर क्या है हमारा? बटन 1। तो अब हम यहाँ से भी चेक करते हैं बटन 1 है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर ग्रीन बटन ही आएगा। जब हम ग्रीन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, बैकग्राउंड होनी चाहिए ग्रीन। अब मैं इसे रन करके चेक करती हूँ। रन ग्रीन, वाह वो देखिए अभी वो काम कर रहा है, अभी हमारा वहाँ पर बटन 1 है नहीं, और वो हमारी कोई गलती भी नहीं बता रहा है। और ये हमने कर लिया अभी हमारा पजल 2।
तो अब हम इस कोडिंग में देखते हैं इस प्रोग्राम में कि इस प्रोग्राम में क्या अभी हमारा बग है। तो मैं सेटिंग करके चेक करती हूँ, क्लिक इट। हाँ, अभी ये कोई नई एरर दे रहा, वो काम तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने दो दो इवेंट में लिखा है कि जब हम पहले बटन वन के ऊपर क्लिक करते फिर पिंक होना चाहिए, जब हम बटन वन के ऊपर क्लिक करते तो उसका भी बैकग्राउंड ब्लैक होना चाहिए और पहले टेक्स्ट कलर पिंक होना चाहिए। तो वो दोनों तो साथ में कर रहा है, लेकिन उन्होंने दो दो ब्लॉक लगाए हैं। तो हम सिर्फ कम से कम कोडिंग करेंगे, हमने इतना थोड़ी लगाना है काम, तो फिर भी वो वही करेगा ना कि जब हम बटन वन के ऊपर क्लिक करते हैं दोनों काम फिर साथ में होने चाहिए, हम उसे डिफरेंट डिफरेंट क्यों लगा रहे हैं। तो इसी के लिए मैं ये ब्लॉक डाल दूंगी इस इवेंट के अंदर और इसको फेंक दूंगी यूआई कंट्रोल में, टूल बॉक्स में। और अब हम इसे रन करके देखते हैं, चेक। हाँ, अभी वो देखिए वो फिर भी कलर चेंज कर रहा है। तो ये हमने क्या किया, कम से कम कोडिंग। अब मैं क्लिक करती हूँ फिनिश के ऊपर और कंटिन्यू। ये अभी ओपन हो गया, अब हम इसे रन करके चेक करते हैं। ब्लू पर क्लिक किया, ब्लू हो गया, रेड पर हो ही नहीं रहा। तो हम जब ब्लू के ऊपर क्लिक करते हैं बैकग्राउंड तो ब्लू हो जाता है लेकिन रेड का नहीं होता। तो ये नीचे एक एरर भी दे रहा है, पता है क्या है, वार्निंग लाइन फॉर द ऑन इवेंट आईडी पैरामीटर रिफर्स टू एन आईडी रेड बटन व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। अरे नहीं, तो वो बता रहे कि जो ये हमारी लाइन फोर है वहाँ पर जो हमने इवेंट ब्लॉक में लगाया है कि जब हम रेड बटन के ऊपर क्लिक करते वो एग्जिट ही नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है। तो ये रेड बटन आ नहीं, आपको पता है कि आईडी का हमेशा जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होता है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, बड़ा। तो यहाँ पर भी हम इसे कर देंगे छोटा, यहाँ पर भी देखते स्मॉल है तो स्मॉल ही रहने देंगे। अब हम इसे करते रन करके चेक, ब्लू ब्लू रेड रेड, वाह अभी वो देखिए वो दोनों बटन चल रहे हैं। अब हम इसे करते फिनिश कंटिन्यू, हाँ ये अभी हो गया ओपन। तो मैं इसे करते रन करके चेक, हमें कंस्ट्रक्शन बॉक्स को ओपन की जरूरत नहीं है। तो हाँ, ग्रीन पर क्लिक किया, येलो येलो तो फिर भी नहीं चल रहा। तो अब हम देखते हैं गलती क्या है और ये अब हम कौन सी कर रहे हैं, डिबगिंग लॉजिकल एरर्स जो हमने सीखी भी थी। तो अब हम देखते हैं कि जब हम बटन वन के ऊपर क्लिक करते हैं इसकी एरर ग्रीन की है, बटन टू और इसकी है बटन वन। तो ये कह रहे हैं कि जब हम बटन वन के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो स्क्रीन की बैकग्राउंड है वो ग्रीन होनी चाहिए, लेकिन वो ग्रीन हो ही नहीं रही। और आगे क्या है, येलो होनी चाहिए, हाँ येलो होनी चाहिए, तो वहाँ पर उन्होंने ग्रीन किया। तो मैं इसे कर देती हूँ अभी येलो। अभी हमारी सेकंड मिस्टेक क्या है कि जब मैं स्क्रीन वन के ऊपर क्लिक करती हूँ, स्क्रीन वन के ऊपर तो हमने क्लिक ही नहीं करना, हाँ जब मैं बटन टू के ऊपर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर हम कर देंगे बटन टू, कि जब मैं बटन टू के ऊपर क्लिक करती हूँ तो जो ये हमारी स्क्रीन वन है उसका बैकग्राउंड होना चाहिए ग्रीन। तो मैं इसे कर देती हूँ ग्रीन। तो ये अभी हो गया हमारी कोडिंग पूरी की पूरी ठीक। तो ये हमने कर दिया अभी डिबगिंग। तो अब हम इसे रन करके चेक करते हैं, ग्रीन ग्रीन येलो येलो, वाह अभी वो काम कर रहा है। और आज हमने ये सारे के सारे पजल कर लिया और आज हमने सीखा डिबगिंग के बारे में। तो बाय, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।